दोस्तों बात करें तो इस हफ्ते काफी एक्साइटिंग टेक न्यूज आई थी, और अगर मैं बात करूं टेलीकॉम की इंडस्ट्री से तो सबसे बड़ी न्यूज तो यहाँ पर ये कहती है कि वोडाफोन आइडिया अपना 5G यहाँ पर लेकर आएगी। अब देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया की 5G की कहानी हम बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे हिंट मिलते हैं वाया ईटी टेलीकॉम की रिपोर्ट के हिसाब से कि आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर जो वोडाफोन आइडिया वो अपने 5G सर्विसेज को यहाँ लॉन्च कर देगी। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी 5G को टेस्ट कर रही है यहाँ पे पुणे, मुंबई और दिल्ली के अंदर, और डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया के कुछ ऐसे कि आने वाले 6-7 महीने में अपना 5G लेकर। अब आने वाले 6-7 महीने जो होंगे ना वो यहाँ पे मोबाइल फोन इंडस्ट्री या टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, आज के समय में टेलीकॉम कंपनीज जो है वो फ्री में 5G को अवेलेबल करवा रही है। 6-7 महीने के बाद जो फ्री 5G ऑफर है वो यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। उसी बीच हो सकता है वोडाफोन आइडिया अपना 5G लाए, और ऑलरेडी उनका ये भी कहना है कि वो 5G के मोनेटाइजेशन पे काम कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं समझ सकते कि यहाँ पे आपको जैसे जियो का फ्री 5G मिलता है, ऐसे वोडाफोन आइडिया भी फ्री में 5G दे दे। वोडाफोन आइडिया फ्री में 5G नहीं देने वाली, वो उसके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे। लेकिन इसी के बाद ही और सरप्राइजिंग चीज तो ये आती है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का प्लान ये कि 3G जैसी सर्विसेज को टोटली डिसकंटिन्यू कर दिया जाए और टोटली ये लोग 4G और 5G के ऊपर शिफ्ट हो, यानी कि 4G की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए आने वाले टाइम में, और 5G को भी ये लोग लेकर आए। अब ये काफी बड़े स्टेप है, और देख के ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया काफी बड़े रिफॉर्मेशन से यहाँ पे गुजर रही है। अगर मैं वोडाफोन आइडिया के ओवरऑल मार्केट शेयर और सब्सक्राइबर बेस के बारे में बात करें तो नवंबर 2023 के TRAI का ऑफिशियल डेटा आ चुका है, और वो डेटा ये कहता है कि जियो ने यहाँ पे 34.5 लाख सब्सक्राइबर्स को गेन किया, एयरटेल ने यहाँ पे 17.5 लाख सब्सक्राइबर्स को गेन किया, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे 10.7 लाख सब्सक्राइबर को लूज किया। अब लग रहा है कि काफी हाई टाइम है वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ा कमबैक करने का, 5G लेकर आए, 4G के ऊपर फोकस करें, 3G बंद कर रहे हैं, तो ये काफी बड़े चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही बात कर तो जियो की तरफ से भी बात आती है। जियो का यहाँ पे ये कहना है कि वो गवर्नमेंट से चाहती है कि अब आने वाले समय में लोग 2G 3G को टोटली बंद कर दे, 4G 5G के ऊपर जो रहता है उसी के ऊपर शिफ्ट हो जाए। अब वन ऑफ द कोर रीजन ये है कि जो जियो है वो 2G 3G पे काम करता ही नहीं है, वो प्योर 4G नेटवर्क देता है या आपको 5G देखने को मिलता है, और जो 2G और 3G अब बहुत ज्यादा पुरानी है। आज के समय में BSNL की बात करें तो वो भी इंडिया को पैन इंडिया 4G नेटवर्क के अंदर लेने में लगा हुआ है। मेरे ख्याल से जब तक BSNL और बाकी कंपनीज अपने 4G को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं कर देती तब तक देख के नहीं लगता कि लोग 2G 3G को जल्दी यहाँ पर बंद करेंगे। इसके साथ अगली जो बड़ी न्यूज जो यहाँ पर निकल कर आती वो आती है कि यहाँ पे जो मोबाइल फोन के कॉम्पोनेंट जो अभी तक हम इम्पोर्ट करके ला रहे थे उसके अंदर जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो पहले होती थी 15%, लेकिन अब उसे घटा के कर दिया गया 10%। इससे इम्पैक्ट तो हम ये सोच रहे थे कि मोबाइल फोन के जो प्राइसिंग होती वो कम होगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो। अब अगर इस पूरी बात को अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझे तो एग्जैक्टली होता गया, आज भी जो मोबाइल फोन्स होते हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे उसका प्रोसेसर हो गया, कुछ कैमरा सेंसर्स हो गए, डिस्प्ले हो गए, ये हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करके लाते हैं। लेकिन फिर भी बात करें जो कंपोनेंट जो बाहर से आते हैं ना उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, और अगर वो अगर कम हो रही है तो डेफिनेटली कंपोनेंट को इंडिया में लाने की कीमत कम होगी, तो क्या आप मोबाइल फोन के रेट गिरेंगे? वेल, ऐसा शायद नहीं होगा। सबसे पहली चीज तो ये कि काफी सारी कंपनियां के जो सेल्स है वो उतनी अच्छी नहीं हो रही जैसे आज से 4-5 साल पहले हुआ करती थी, इसलिए काफी सारी कंपनीज प्रॉफिट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है, जिस कारण से बहुत ही कम चांसेस है कि मोबाइल फोन कंपनीज रेट को कम करें। लेकिन हो सकता है कोई कंपनी इस चीज को कंज्यूमर को पास ऑन करने का सोचा, थोड़े एग्रेसिव प्राइसिंग में फोन उतारे, एक ही चीज हो सकती है। अगली चीज यहाँ पर यह हो सकती है कि इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए, कि अभी जो हम मोबाइल फोन्स बनाते हैं वो ज्यादातर जो यूज होता है उसका इंडिया में होता है, लेकिन क्या हो अगर ज्यादातर मोबाइल फोन अगर इंडिया में बने तो वो बाहर भी अगर एक्सपोर्ट हो, उस चीज को अगर बढ़ावा मिले तो वो एक एडवांस चीज है। इसके साथ एक और बात है कि मोबाइल फोन के कंपोनेंट के प्राइसेस भी महंगे हो रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि अगर कहीं ना कहीं अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम करिए तो जो चिप मेकर्स होते हैं, डिस्प्ले मेकर है, कैमरा सेंसर मेकर है, ये लोग अपनी कीमत को ज्यादा कर दे और उसके बाद ज्यादा पैसा चार्ज करें, ये एक बात यहाँ पर हो सकती है। तो हाँ, डेफिनेटली हम ऑल एंड ऑल ये बात नहीं कर सकते कि यहाँ पे मोबाइल फोन की कीमत बिल्कुल ही यहाँ पे कम हो जाएगी, लेकिन जो भी चीजें यहाँ पे चल रही है वो आपको यहाँ पे मैं बताता रहूंगा। और इसी के साथ ही अब मैं बात कर सकता हूँ नोकिया के बारे में। अब देखो यार, नोकिया को हम इतने सालों से जानते थे, लेकिन करंटली में जो नोकिया वो एग्जैक्टली में HMD ग्लोबल है जिसने नोकिया का ब्रांड नेम लाइसेंस किया था। अब आने वाले कुछ समय में इसकी जो लाइसेंस था वो यहाँ पे जाने वाला था, उसकी लाइसेंस डील खत्म होने वाली थी, और ऑलरेडी HMD ग्लोबल ने ये डिसाइड किया कि वो नोकिया की ब्रांडिंग को टोटली यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, और शायद अब नोकिया के स्मार्टफोन्स अब आपको कभी भी देखने को ना मिले।
हालांकि स्मार्टफोन्स HMD ग्लोबल बनाता रहेगा और HMD के नाम से प्रमोट करता रहेगा। यहां तक कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को भी चेंज कर दिया और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स थे नोकिया मोबाइल्स के, वो भी यहां पे अब HMD ग्लोबल के नाम से आ रहे हैं। और कुल मिला के बात ये कि चीज वही रहेगी, प्रोडक्ट वही रहेगा, बस पीछे से जो नोकिया का नाम है वो यहां पे HMD हो गया। मेरे को क्या लगता है कि अभी तो उन्होंने अपनी ब्रांडिंग को चेंज किया है, लेकिन इस महीने के एंड तक जब आपको MWC देखने को मिलेगा, वहां पे ये लोग अपने नए प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करें। खैर, ओवरऑल बात करें तो नोकिया की कहानी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी नोकिया के साथ एक नॉस्टैल्जिक फैक्टर जुड़ा हुआ था। ये काफी बड़ी चीज है, काफी सारे जो पुराने नोकिया के फैंस हैं उनके लिए शॉकिंग न्यूज यहाँ पर रहेगी। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो HMD के फोन्स होते हैं, क्या ये लोग उसे वैसे ही एक्सेप्ट करते जैसे नोकिया के फोन को किया था, ये देखते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड एक न्यूज है, वो ये रहती है कि आज के समय में मोबाइल फोन कंपनीज और बाकी जगह भी AI का यहाँ पे काम हो रहा है। रिसेंटली गूगल के गूगल बार्ड ने भी यहाँ पर इमेज जनरेशन के ऊपर काम किया है, और वो भी इमेज जनरेशन की फैसिलिटी जैसे आपको इससे पहले ChatGPT में देखने को मिलती थी, वैसी फंक्शनलिटी को लोग लेकर आ गए। बस बात ये कि अभी फ्री है, अच्छे तरीके से काम कर रही है, हालांकि शायद रिजल्ट्स अभी उतने अच्छे नहीं हो क्योंकि अभी इसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बात करें जो AI फीचर जो मोबाइल फोन में आने वाले हैं, इसके लिए जो काफी कंपनीज है वो यहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे चार्ज करेंगी। अगर प्रीमियमनेस के बारे में बात करें तो ये जो कंपनीज रहेंगी, ये आपसे हो सकता है सब्सक्रिप्शन फीस ले या फिर एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करे काफी सारे AI फीचर्स को यूज करने का। हो सकता है कुछ फीचर जो मोबाइल फोन के अंदर यूज हो रहे हैं वो तो आपको फ्री में देखने को मिल जाए, लेकिन जिनके लिए क्लाउड या सर्वर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसके लिए तो ये लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे चार्ज करेंगे। शायद अभी नहीं करे, अगले साल नहीं करे, लेकिन करेंगे यहाँ पे जरूर। इसके साथ ही बात करें इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड की, तो लिस्ट हमारे पास आ गई, सबसे पहले नंबर पर जो कंपनी आती है ना वो आती है यहाँ पे गूगल। गूगल जैसी कंपनी ने इंडिया के अंदर अपने जो मार्केट शेयर होता है वो काफी ज्यादा तेजी से फैलाया और बहुत तेजी से यहाँ पे अपने पिक्सल फोन को पॉपुलर किया है। इसके साथ ही जो अगली पोजीशन आती है वो आती है लावा की। लावा जैसी कंपनी ने भी यहाँ पे काम किया है और लावा ने जो फोन निकाले थे 2023 में वो काफी सारे लोग को पसंद आया। इसके साथ ही थर्ड पोजीशन आती है OnePlus की। OnePlus का ग्रोथ रेट काफी अच्छा है और OnePlus बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और फोर्थ पोजीशन आती है ट्रांस एंड होल्डिंग की, जिसके अंदर आपको इन्फिनिक्स, आईटेल और टेक्नो देखने को मिलते हैं और इनके फोन्स भी धीरे धीरे मार्केट पर पॉपुलर हो रहे हैं। और फिर पोजीशन आती है मोटरोला की। मोटरोला ने भी अपने आप के मार्केट को यहाँ पे इंक्रीज किया। तो हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, टॉप 5 इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स है, क्योंकि जहां दूसरे ब्रांड की जो ग्रोथ होती है वो स्टैग्नेंट हो चुकी है या फिर वो अपने मार्केट शेयर को लूज कर रहे हैं और उन्हीं के कंपैरिजन में ये जो कंपनीज है अब धीरे धीरे मार्केट में ग्रो कर रही है। और इसी के साथ ही फाइनली हमें बात कर सकते हो एप्पल के विजन प्रो के। देखो, विजन प्रो के जो सेल्स है वो इंडिया में तो नहीं होने वाली पहली बात, लेकिन US के अंदर इसकी सेल्स आज शुरू होंगी और ऑलरेडी इसके रिव्यूज वगैरह सब मार्केट में आ चुके हैं। तो सिंपल सी बात है कि इनिशियली काफी ज्यादा हाइप है और एप्पल भी ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ट्राई आउट करें। बस प्रॉब्लम बताऊं क्या है, प्रॉब्लम ये कि फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट आज से जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च हुए ना उनसे काफी ज्यादा लगे। पहली बात, अगर मैं स्मार्टफोन से कंपेयर करूं तो स्मार्टफोन एक ऐसी चीज है जिसे आप जेब में आसानी से कैरी करके चल सकते हो। विजन प्रो एक ऐसी चीज है जिसे आपको यहाँ पर पहनना पड़ेगा। और देखा जाए तो टेक्निकली ये VR हेडसेट ही है, जिसके अंदर आगे की तरफ कैमरास लगे हुए हैं, तो आपको जो पास थ्रू मिलता है उसका यूज करके आप जो AR होता है उसका मजा यहाँ पे आप ले सकते हैं। और बेसिकली आप एक कंप्यूटर पहन रहे हो अपने फेस के ऊपर। अब ये टेक्नोलॉजी देखने सुनने में तो काफी अच्छी लगती है और एप्पल के लिए भी बहुत बड़ा पैशन प्रोजेक्ट है, लेकिन इस चीज के मेन स्ट्रीम होने के चांसेस बहुत कम है। या तो एप्पल बहुत बड़ा गैम्बल खेल रही है या फिर एप्पल ये चाहती कि उसको पता है कि एग्जैक्टली में क्या फ्यूचर होने वाला है, तो इसी के ऊपर फोकस है। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, दुनिया में से काफी सारी कंपनीज आज के समय में एप्पल के ऊपर नजर रखती है, वो देखती कि एप्पल क्या कर रहा है और कहीं ना कहीं उसी चीज को यहाँ पे मिमिक करने की कोशिश करती है। अब विजन प्रो एक ऐसी चीज है जिसकी इनिशियली हाइप है, इनिशियली लोग एक्साइटेड है, लोग उसको खरीद भी रहे होंगे USA में, इवन कुछ लोग उसे USA से खरीद के इंडिया में भी लेकर आएंगे। एट द एंड कहीं ये एक यूजफुल प्रोडक्ट की बजाय एक एक्सपेंसिव टॉय यानी कि एक्सपेंसिव खिलौना यहाँ पे साबित ना हो जाए। तो देखने वाली बात है कि क्या होती है विजन प्रो की कहानी। इनिशियली सेल्स बहुत ज्यादा हाइप है, काफी सारी चीजें, और लग नहीं रहा 1-1.5 साल तक इसका नेक्स्ट वर्जन यहाँ पर ये लोग निकालेंगे। लेकिन अगर इस चीज को और रिफाइन करते, टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा आगे लेकर जाते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी आगे चल के प्रॉमिसिंग हो सकती है। लेकिन फिर भी मोबाइल फोन ये सारी चीजें छोड़ के एक हेडसेट को पहनना टोटली रिप्लेसमेंट, ये अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल है। तो दोस्तों यार, ये थी कहानी यहाँ पे एप्पल विजन प्रो और इस हफ्ते की कुछ टेक न्यूज की। बाकी आप लोग यहाँ पर बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।